हेलो गाइज, मैं हूँ नितेश और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान ट्रेवलर। मैं आज आपको ले चलता हूँ मनाली की बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि है सोलांग वैली। मैं सुबह 10:30 बजे मनाली से सोलांग वैली के लिए निकला था और अभी बज रहे हैं 11:25, बीच में रुकते हुए और व्यू का आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं सोलांग वैली की ओर। आज तारीख है 10 मार्च 2021। चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ों पे बर्फ और बीच में रोड, वाओ गजब के नज़ारे। जी, हम सोलांग वैली पहुंच चुके हैं। चारों तरफ के नज़ारे देखिए, पहाड़ों से ढकी बर्फ है और इतनी ठंड है कि एकदम हाथ जकड़ रहा है। और हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं और स्नो बाइक से भी जा सकते हैं वैली के पास बर्फ का आनंद लेने के लिए। वैसे तो हम लोग फिलहाल पैदल ही जा रहे हैं, नज़ारों का लुत्फ लेते हुए और आपको भी दिखा रहे हैं। ये देखिए व्यू, कमाल का व्यू है, आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़, पहाड़ों पे बर्फ, वाओ। बीच से पानी की एक धारा भी निकली हुई है, शायद बर्फ पिघलने के कारण ये पानी निकल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ स्टॉल लगी हुई है खाने पीने की, जिसमें आप लोगों को गर्म मैगी मिल जाएगी और चाय कॉफ़ी भी मिल जाएगी। थोड़ा रेट महंगा है, फिर भी ऐसी प्लेस में आके आप लोगों को थोड़े पैसे खर्च करने ही होंगे। देखिए, सब जो भी नहीं जा सकते हैं पैदल, वो स्नो बाइक से जा रहे हैं और घोड़े हैं, पिट्ठू है, जो आपको वहाँ पर ले जाके छोड़ देते हैं घाटी पे। सोलांग वैली का नाम यहाँ स्थित सोलांग गांव के नाम पे रखा गया था, इसे सोलांग नाला भी कहा जाता है। सोलांग का मतलब पास के गांव और नाले का मतलब पानी की धारा होती है। यहाँ के ग्लेशियर और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है दूर से। हम घाटी में बर्फ की ओर पहुंच चुके हैं। यहाँ से एक बार नज़ारा आप देखें, चारों तरफ बर्फ है। अगर यहाँ पे आपको बर्फ का आनंद लेना है तो आप दिसंबर से मार्च तक के महीने में आ सकते हैं। इन सब महीने में आपको अच्छी खासी बर्फ देखने को मिल सकती है। बाकी अप्रैल से जून तक का जो समय रहता है वह पीक सीजन होता है, जिसमें कि पर्यटक ज़्यादा आना पसंद करते हैं। मैं यहाँ मार्च के सेकेंड वीक में आया हूँ, मुझे यहाँ अच्छी खासी बर्फ़ भी मिली और स्नोफॉल का भी आनंद प्राप्त हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, धीरे धीरे स्नोफॉल हो रही है और आगे जाके शायद ये बढ़ेगी भी। गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ स्नोफॉल बढ़ चुकी है और इतनी अच्छी लग रही है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये। चारों तरफ बर्फ और ऊपर से स्नोफॉल। अगर आपको स्नोफॉल का आनंद लेना है तो आपको दिसंबर से मार्च तक के महीने में आना ही होगा। उसके बाद आपको बर्फ मिलेगी लेकिन स्नोफॉल शायद नहीं मिल सकता है। सोलांग वैली में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का भी आप आनंद ले सकते हैं, जो कि दिसंबर से मार्च तक के महीने में होता है।
अगर आप सोलांग वैली आने की योजना बना रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोलांग वैली पर्यटकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है, जहां आप 3 से 4 घंटे में यहां आसानी से घूम सकते हैं। बर्फ़ के लिए आपको जैकेट और शू रास्ते में ही मिल जाएंगे और यहां पे भी आके आप रेंट पे ले सकते हैं, जिसका किराया 250 से 500 रुपये पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।